start the grammar sections, very important term for English language, punctuation. इसको हम बोलते हैं विराम चिह्न. Without punctuation, if you can't complete any sentence, first of all, let's see the definition of punctuation. Punctuation, the English language has a system of symbols and sign known as punctuation. That is a very important in English language. So, without punctuation, you can't do anything else. अब सबसे पहले आपको ये जो definition है, उसको जानना है कि punctuation होता है क्या? English language में जो punctuation होता है, वो उस symbol जो प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, symbol पे indicates करता है, और जो sign होता है, जो marks होते हैं, उसको हम punctuation के name से जानते हैं. So first of all, how many punctuations used in English language? So let's see. Here I have total 13 punctuation. First, full stop. Second, comma. Third, dash. Fourth, hyphen. Fifth, question mark. Sixth, exclamatory marks. Seventh, double inverted comma. Eighth, semicolon. Ninth, colon. Tenth, brackets. 11, first stop. And 12, slash. So, to here have total 12. अगर आपको क्या करनी है, इन 12 आपको याद करने, एटलीस्ट इन 12 के आपको सबसे फर्स्ट जो आपको जानना है वो है उसका यूज होता कैसे. तो टोटल आपको ये याद करनी पड़ेगी कि जो टोटल 12 आपका क्या होता है, पंक्चुएशन होता है. आपने अब तक सबसे पहले ही जान लिया कि टोटल पंक्चुएशन कितने होते हैं, वो होता है 12. सो ये 12 है. कम जो कुछ प्लेसेस होते हैं तो 11 को ही एग्जैक्ट माना जाता है, और ये स्लैश होता है जिसको क्वाइटस भी बोलते हैं, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है. तो स्पेस भी अगर आप ग्रामर बुक्स के थ्रू जाओगे तो आपका 11 पंक्चुएशंस होते हैं. बट स्लैश, स्लैश का जो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्पेशली यूज होता है, वो बहुत स्पेशली यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई यू विल बी राइट एंड यू विल बी रिमेंबर टोटल 12 पंक्चुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ पंक्चुएशन. फर्स्ट फुल स्टॉप. अब आपको देख रहे हैं कि फुल स्टॉप का यूज कैसे करते हैं. फुल स्टॉप इज द ऑलवेज यूज ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस. इफ यू विल बी राइट एनी सेंटेंस एंड इन द यूज ऑफ लास्ट वर्ड्स आफ्टर दैट यू विल बी राइट यूज फुल स्टॉप. आफ्टर दैट द सेंटेंस हैव अ कंप्लीटेड. जहां भी आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज करना है. उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है वो वहीं से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. तो ये हमको सेंटेंस को हमारा ये कंप्लीट करने में हेल्प करता है. फर्स्ट एग्जांपल इज जॉन वेंट टू द शॉप. आफ्टर दैट फुल स्टॉप. जॉन कहाँ गया था, शॉप गया था. तो हमने जब जैसे डॉट लगाया तो वो सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. सेकंड वन, सी बॉट सम स्वीट्स. वो क्या खरीदी थी, कुछ स्वीट खरीदी थी. सो आफ्टर दैट वी नो बिकॉज सी हैव डन, उसने खरीद लिया, इतना तो पता चल गया ना. तो ये क्या हो गया, हमारा फुल स्टॉप. थर्ड वन, सी हैज रीच्ड द स्टेशन. वो स्टेशन पहुंच चुकी थी. तो हमने क्या किया, डॉट्स लगाए. तो डॉट का मतलब फुल स्टॉप ही होता है. सी राइट्स अ लेटर, सॉरी ही राइट्स अ लेटर. वह पत्र लिखता है. तो ये यहाँ पे जब हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप्स लगा दिया, इट मीन्स दैट सेंटेंस हैव कंप्लीटेड. आई होप कि आपको ये फुल स्टॉप का यूज समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं कॉमा. कॉमा का जो मार्क्स होता है वो एक छोटा स्टॉप होता है. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमको वी विल बी स्टॉप फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट. उस समय के लिए हमको रुकना होता है जहाँ पे कॉमा लगता है. कॉमा, और याद रखना जो कॉमा होता है वो थिंग को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है, चाहे वो थिंग्स हो और नेम्स हो. तो वो क्या कर देता है, उसको वो सेपरेट कर देता है. आपको हर जगह एंड लिखने की नीड्स नहीं है. इफ यू विल बी राइट, इफ यू विल यूज द कॉमा, इट मीन्स दैट टाइम्स यू हैव नॉट राइट्स ऑफ राइट एंड. एंड लिखने की नीड्स नहीं है. बट वो क्या होता है, जब मोर देन टू वर्ड्स. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. एडम बॉट एप्पल्स.
एडम्स क्या बाई कर रहा है, एप्पल्स, बनानास, पर्स एंड ग्रेप्स। तो हमने क्या करते हैं, तो वो कितने सारे थिंग्स खरीद रहा है, फोर थिंग्स ना। तो इन चीजों को जब सेपरेट किया जाता है तो सेपरेट के लिए क्या का यूज किया जाता है, कॉमा का यूज होता है। एप्पल्स, बनाना, उन चीजों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या इसके बाद तो हमने यूज नहीं किया ना, तो पियर्स एंड, तो लास्ट जब आता है उसके पहले आपको क्या है, जो कॉमा होता है उसकी नीड्स नहीं होती, आपको डायरेक्ट एंड राइट करना रहता है। तो हमने पियर्स एंड ग्रेप्स लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये थ्री थिंग्स आपका सेपरेट हो गया, क्योंकि हमने इसके लिए तो एंड का यूज नहीं किया ना, हमने क्या किया है, कॉमा का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज रिया वेंट टू हर आंटीज हाउस। रिया के अपने किसके घर जा रही है, आंटी के घर जा रही है, हमने कॉमा लगाया मतलब थोड़ी देर के लिए रुक गए। सी लव्स टू गो देयर, क्योंकि वो वहाँ जाना पसंद करती है, वो वहाँ जाना बहुत, उनको वहाँ जाना बहुत पसंद है, बहुत लव है, बहुत प्यार है उस प्लेस पे जाना, आंटी के घर जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे हैव अ कपड़े द स्मॉल स्टॉप, थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हो जाती है कि सी वेंट टू हर आंटीज हाउस, सी लव्स टू गो, क्योंकि वहाँ पे उनको जाना पसंद है। आई होप कि आपको कॉमा भी पसंद भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम डैश, या डैश क्या होता है और जो हैपन होता है, दोनों तो आपको सेम ही लगेगा ना, कि मार्क्स तो दोनों का सेम, बट उसमें जो साइजेस डिफरेंट है वो है, प्लस उनका जो यूज है वो बिल्कुल अलग होता है। अब देखते हैं हम सबसे फर्स्ट जो डैश होता है, डैश का साइज कंपेयर देन हैपन, वो थोड़ा बड़ा भी होता है। अब बड़े होने से मतलब नहीं है, मैटर ये करता है कि ये डैश जहाँ पे लगा उसका जो पूरा मीनिंग्स होता है वो कंप्लीटली सेपरेट और चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, इन दोनों हमेशा जो सिचुएशंस होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए आपका डैश का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल द सॉल्यूशन, आफ्टर दैट हमने क्या यूज किया, डैश। इफ इट इज अ डिमिट सॉल्यूशन, ये क्या है, डिमिट सॉल्यूशन है, फिर हमने डैश लगा दिया। इट इज गेट योर टेनेंट आउट ऑफ द हाउस, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पुलिस स्टॉप्स किया एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो मुश्किल हो। तो क्या है, यहाँ से जैसे हम डैश यूज करते हैं तो वहाँ से हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब देखते हैं हम यूज ऑफ हैपन, हैपन का यूज कैसे किया जाता है। हैपन जिसको हम बोलते हैं योजक हिंदी में, याद रखना अगर आपको किसी ने हिंदी नहीं जाना है तो ये तो पुलिस स्टॉप, पूरे विराम, इसको बोलते हैं कॉमास, डेज और हैपन, जिसको योजक भी बोलते हैं, योजक चिन्ह। एग्जांपल, योजक मींस हैपन इज वेरी यूजफुल, इट मींस दे विल बी यूज ऑफ टू थिंग्स एंड मेक अ सेपरेट वन। तो जो क्या होता है, टू थिंग्स ये चीजें होती है जिसको एक में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल मदर एंड फादर्स, तो हम डॉट्स क्या करते हैं उसके बाद एक सेंटेंस में जो हैपन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हैपन। हियर आई हैव एग्जांपल ग्रीन रूम, ग्रीन रूम इज सेम वर्ड्स, इट मींस देयर हैव अ वन वर्ड्स बट दे हैव अ सेपरेट ई। तो यहां पे क्या होता है, ग्रीन रूम को अलग चेंज करने के लिए हैपन का यूज होता है। हैंड टॉवल, हैंड जो टॉवल होता है ना उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज ऑफ हैपन, जो हैपन का यूज होता है, इट इज स्मॉल मार्क्स कंपेयर देन डैश। टूथब्रश, टूथब्रश हैव अ सेम बट दे हैव अ सेपरेट एज द यूजिंग्स ऑफ हैपन, हैपन जब उसका यूज होता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, इन सब में क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में जो मार्क्स लगते हैं वो हमारा क्या होता है, हैपन होता है। तो आपको ये, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो।